उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा स्थित कक्ष में उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की 35वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि पूर्व में किसानों को कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना होने पर मिलने वाली मुआवजा राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई। दुर्घटना में अगर 2 या 1 हाथ पैर से दिव्यांग होने पर किसानों को पूर्व में मिलने वाली राशि 60,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है। 1 अंग से दिव्यांग होने पर मिलने वाली राशि 30,000 से बढ़कर 50,000 रुपए कर दी गई है। मंत्री ने कहा कि किसानों के बच्चे कृषि के क्षेत्र में अच्छी पढ़ाई कर पाए, इस संबंध में योजना की आय सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दी गई है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत दुर्घटना की पात्रता 18 से 60 वर्ष को भी समाप्त कर दिया गया है। अब कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना होने पर किसान को मुआवजा राशि दी जाएगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। पूर्व में जो किसान की कृषि करते हुए दुर्घटना हो जाती थी उसको 1 लाख मिलता था, उसको बढ़ाकर हमने 1.5 लाख कर दिया। दुर्घटना से अगर दोनों हाथ पैर या 1 हाथ पैर 25 होता था उसको 60,000 मिलता था, उसको हमने 1 लाख कर दिया है। 1 अंग बनने पर 30,000 मिलता था, उसको हमने 50,000 कर दिया है। और किसानों के बच्चे भी अच्छी पढ़ाई करें किसी के क्षेत्र में, और उसमें आय सीमा जो है बहुत कम थी, 2 लाख रुपए थी, उसको बढ़ाकर हमने 3 लाख कर दिया है, प्रतिवर्ष कर दिया है। और व्यक्तिगत दुर्घटना की जो पात्रता पहले 18 से 60 की, उसको हमने हटा दिया है। अब कोई भी दुर्घटना होगी उसको जो है मुआवजा दिया जाएगा।